आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली दंगों के मामले में करकरडूमा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस मामले में न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि हिंदू समुदाय की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से यह हंगामा किया गया था। साथ ही न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि पुलिस ने इन सभी आरोपियों पर जो आरोप लगाए थे वो पूरी तरह साबित होते हैं। न्यायालय ने कहा कि ये सभी आरोपी एक झुंड का हिस्सा बने थे और सांप्रदायिक भावना से भरे उस झुंड का सिर्फ एक उद्देश्य था कि हिंदू समुदाय की संपत्तियों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। इस दौरान पुलिस की ओर से लगातार पीछे हटने की अपील भी की गई थी, लेकिन इन लोगों ने दंगा जारी रखा। आपको बता दें कि कोर्ट ने यह फैसला पीड़ित रेखा शर्मा की याचिका पर सुनाया है। इसी संबंध में विशेष लोक अभियोजक डीके भाटिया ने कहा कि कोर्ट ने इन दोषियों की सजा पर बहस के लिए 29 मार्च की तारीख तय की है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।